हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। कल अपनों ने बात की थी संधारित्र तीन प्रकार के होते हैं। पहला पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा गोलीय संधारित्र और तीसरा बेलनाकार संधारित्र। और मैंने कल भी आपको बता दिया था कि जो बेलनाकार संधारित्र वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही संधारित्र है, पहला समांतर प्लेट संधारित्र और दूसरा गोलीय संधारित्र। तो आज अपने बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र पर। बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो बात करते हैं अपने समांतर प्लेट संधारित्र। देखो, नाम से पता चल रहा है समांतर और प्लेटें, मतलब कोई भी दो प्लेटों को अपने क्या रखना होगा, एक दूसरे के समांतर रखना होगा, तभी तो इसका नाम क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र। तो इसकी परिभाषा क्या है, देखो, समान आकार व समान क्षेत्रफल की दो चालक प्लेटें। कोई भी मेरे पास दो चालक प्लेटें होगी, दोनों का आकार और क्षेत्रफल, मतलब ज्यामितीय रूप से दोनों क्या होगी, समान होगी, मतलब दोनों का क्षेत्रफल भी क्या रहेगा, समान रहेगा। परंतु आगे क्या थे, एक दूसरे के समांतर व अल्प दूरी पर रखकर उन्हें विपरीत आवेशों द्वारा समान रूप से आवेशित करने पर जो प्राप्त युक्ति होगी वो क्या कहलाएगी, समांतर प्लेट संधारित्र। मतलब कोई दो चालक प्लेटें हैं मेरे पास, डायग्राम से देखते हैं, ये मेरे पास क्या है, कोई दो चालक प्लेटें हैं, ये चालक प्लेट फर्स्ट मान ली और ये चालक प्लेट सेकंड मान ली। कोई दो चालक प्लेटें हैं, दोनों का जो क्षेत्रफल मान लिया मैंने, इस चालक प्लेट का भी क्षेत्रफल ए है और इस चालक प्लेट का भी क्षेत्रफल क्या है, ए है। तो डेफिनेशन क्या आती है, समान आकार व समान क्षेत्रफल की दो चालक प्लेटें एक दूसरे क्या रखी हुई है, समांतर रखी हुई है, वह एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर स्थित है और उनके बीच की दूरी मान ली मैंने स्मॉल डी है। इन्हें विपरीत आवेशों द्वारा समान रूप से आवेशित करना, मतलब एक पर तो क्या आना चाहिए, प्लस क्यू आवेश ले लिया, दूसरे पर माइनस क्यू आवेश। मतलब मान लो इस प्लेट पर अगर +5 कूलाम आवेश है तो इस पर कितना होगा, -5 कूलाम आवेश होगा। मतलब दोनों पर आवेश की मात्रा तो क्या होगी, समान होगी, परंतु एक दूसरे की क्या होगी, विपरीत होगी। तो इस पर तो क्या आ गया, प्लस क्यू आवेश आ गया और इस पर माइनस क्यू आवेश आ गया। दोनों पर आवेश की मात्रा समान है परंतु एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। तो ये युक्ति क्या कहलाएगी, अपनी समांतर प्लेट संधारित्र कहलाएगी। तो याद रखना, इसकी मैं कुछ शर्तें बता देता हूं समांतर प्लेट की क्या होती है। पहली शर्त क्या थी, दोनों का जो क्षेत्रफल होगा या आकार होगा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, जो भी ज्यामिति लेके चलेंगे अपनी, ठीक है। दूसरी बात, जो इनके बीच की दूरी है, बीच की दूरी प्लेटों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, अल्प होनी चाहिए। अगर मान लो इसके क्षेत्रफल से तुलना करें तो क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, इसकी दूरी से काफी अधिक होना चाहिए। तीसरी बात, दोनों प्लेटों पर आवेश क्या होना चाहिए, दोनों प्लेटों पर आवेश विपरीत प्रकृति का होना चाहिए, आवेश समान व विपरीत प्रकृति का होना चाहिए, ठीक है। तो ये युक्ति क्या कहलाती है, समांतर प्लेट संधारित्र। अब बात करते हैं अपने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी, और अपने पढ़ के आ चुके हैं धारिता क्या होती है, सी बराबर क्यू अपॉन में वी। सी क्या होते हैं, यहां पे धारिता होती है, क्यू क्या होता है, आवेश होता है, और वी क्या होता है, विभवांतर होता है, ठीक है। तो अब बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब देखो, धारिता के लिए जो ये क्यू है, क्यू क्या होता है, किसी एक प्लेट के आवेश का परिमाण। परिमाण रूप में अगर प्लस लेके चलेंगे तो प्लस का जगह माइनस लेके चलेंगे तो भी क्या होगा, परिमाण रूप में प्लस आ जाएगा। मतलब आवेश जो दिया होगा वो अपने लेके चलें किस रूप में, परिमाण रूप में। बात करते हैं विभवांतर की, मतलब इन दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर कितना होगा वो अपने ज्ञात कर लेंगे यहां से। तो देखते हैं अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पे बात करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, और अपने को पता है धारिता क्या होती है, धारिता की परिभाषा से सी बराबर क्यू अपॉन में वी। क्यू क्या होता है, किसी एक चालक प्लेट पे आवेश का परिमाण, और वी क्या होता है, इन चालक प्लेटों के मध्य विभवांतर। तो सबसे पहले देखेंगे मेरे पास क्या, दो चालक प्लेटें ले ली, एक का क्षेत्रफल ए है तो दूसरे का क्षेत्रफल कितना होगा, ए होगा, और इनके बीच की दूरी मैंने कितनी मान ली, अति अल्प मान ली, डी है। एक पर प्लस क्यू है तो दूसरे पर
माइनस क्यू है, तो इन प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी क्या होती है, अपने को पता है प्लस से माइनस की तरफ होती है जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, क्योंकि अपने को पता है विद्युत क्षेत्र प्लस से तो क्या होता है बाहर की तरफ होता है और माइनस के क्या होता है अंदर प्रवेश करते हैं। तो देखो प्लस आवेश से विद्युत क्षेत्र बाहर निकला और माइनस के क्या कर रहे हैं अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी प्लस से माइनस की तरफ होगी। तो बात करते हैं इन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी। अपने पढ़ के आ चुके हैं कि सिर्फ एक चालक प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होती है एक चालक प्लेट के कारण। तो बात करते थे अपने एक चालक प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती थी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, परंतु इस एक चालक प्लेट पर जो आवेश है इसकी एक सतह पर है, दूसरी सतह पर कोई भी आवेश नहीं है, क्योंकि अपने को पता है कोई भी जब चालक प्लेट को अपने आवेशित करते थे तो अगर मान लो इस चालक प्लेट को मान लो ऋणावेशित करना है तो मैं क्या करता था कोई धनावेशित प्लेट मैं इसके पास लेके आता, तो प्रेरण द्वारा क्या होता था इस उदासीन प्लेट है इस पर प्लस और माइनस दोनों क्या होंगे समान रूप से होंगे, तो प्लस को क्या करेगा प्रतिकर्षित करेगा बाहर की तरफ भेजेगा और माइनस आवेश को क्या करेगा अपनी तरफ आकर्षित करेगा, फिर मैं इसको क्या कर देता यहाँ पे ग्राउंडेड कर देता, तो इस चालक प्लेट की एक ही सतह पर आवेश रह जाता था। तो इसके कारण अपने को चालक एक चालक प्लेट के कारण जो इसके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र मिलेगा कितना मिलेगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आधा मिलेगा प्लस। अब मान ले दूसरी माइनस क्यू आवेश के कारण इसके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो वो भी कितनी मिलेगी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों प्लेटों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो क्या है समान है। देखो प्लस ये प्लस क्यू आवेश वाली प्लेट है इसे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो भी किस डायरेक्शन में है इस डायरेक्शन में है, क्योंकि प्लस से जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कहाँ होता है बाहर की तरफ होता है, और माइनस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या करता है उसके अंदर प्रवेश करता है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी इसके इस दिशा में हो जाएगी। तो इसके अंदर जो कुल विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा इन दोनों विद्युत क्षेत्रों को क्या होगा योग के रूप में प्राप्त होगा। तो चालक प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र कितना प्राप्त हो जाएगा अपने को, देखो इस पहली प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र मिला था कि सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में, इस प्लेट के कारण भी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कुल विद्युत क्षेत्र कितना मिल गया चालक प्लेटों के मध्य सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट। ये चीज आपको पता लगी किसी एक चालक प्लेट के कारण अपनों ने क्या निकाला था विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट, और अपने यहाँ पे किसी एक चालक प्लेट के कारण कितना लेके चल रहे हैं सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट। क्यों लिया है क्योंकि यहाँ पे जो आवेश है इसकी एक ही सतह पे है, तो इसके कारण जो अपने को विद्युत क्षेत्र मिलेगा कितना मिलेगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट। अब बात करते हैं अपने इसके अंदर क्या निकालना अपने को विभवांतर चाहिए, तो विभवांतर अपने को पता है विद्युत क्षेत्र वह विभवांतर के मध्य संबंध होता है क्या होता है V बराबर E डॉट में R। V क्या हो गया दोनों प्लेटों के बीच में विभव, E क्या हो गया दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर, और R क्या है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो ये फॉर्मूला आया कहां से अपनों ने निकाला था E बराबर क्या होता है माइनस dV अपॉन में dr। E क्या होता था विद्युत क्षेत्र इक्वल्स टू dV क्या है यहां पे विभवांतर है, और dr क्या होती थी दूरी होती, और माइनस तो अपने को वैल्यू पता था तो यहां पे अपने को वैल्यू चाहिए तो अपने माइनस को यहां पे छोड़ दिया, तो यहां से विभवांतर बराबर क्या लिख सकते हैं अपने विद्युत क्षेत्र इंटू में दूरी, तो V बराबर क्या आ गया E डॉट में R। दोबारा से V क्या है दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, E क्या है दोनों प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र, और R क्या है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो V इक्वल्स टू दोनों प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र आया था कितना आया था सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और R मतलब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है डी है, और अपने को सिग्मा क्या होता है यहां पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन में ए।
तो v इक्वल्स टू सिग्मा की जगह मैंने क्या लिख दिया, q अपॉन में a एप्सिलॉन नॉट d। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता था, निर्वात या हवा की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता मतलब इन दोनों प्लेटों के बीच में जो माध्यम है, इन दोनों प्लेटों के बीच में जो माध्यम है वो क्या है मेरे पास, हवा है। या हवा या निर्वात के अतिरिक्त और कोई माध्यम होता तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाता, एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये टॉपिक मैं आपको कल समझा दूंगा कि जब दो प्लेटों के बीच में कोई माध्यम भरा हो, तो अपने सिर्फ आज बात की है सिर्फ और सिर्फ निर्वात के लिए। किसके लिए बात की है, निर्वात के लिए। तो अपने पास v की वैल्यू क्या आएगी, q अपॉन में a एप्सिलॉन नॉट d। और अपने को कहां पुट कर देंगे इस फॉर्मूले, अपने को धारिता क्या होती है, c बराबर किसी एक प्लेट पे आवेश का परिमाण मतलब कितना है, q है, अपॉन में विभवांतर कितना आ गया, q अपॉन में a एप्सिलॉन नॉट d। q से q क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो धारिता कितनी है कि a एप्सिलॉन नॉट कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा a एप्सिलॉन नॉट d। तो ये आ गई दो चालक प्लेटों के मध्य जब क्या हो, माध्यम हवा या निर्वात हो, तो जो धारिता होती है समांतर प्लेट संधारित्र कितनी होती है, a एप्सिलॉन नॉट d। d क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। और a क्या है, यहां पे क्षेत्रफल है। मतलब d का मान अगर प्लेटों के बीच में दूरी जितनी ज्यादा कम होगी, अपने पास जो धारिता मिलेगी समांतर प्लेट संधारित्र की वो उतनी ही अधिक मिलेगी, ठीक है। अगर क्षेत्रफल जितना ज्यादा है धारिता भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। और दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, दूरी जितनी कम धारिता उतनी ज्यादा मिलेगी। तो ये था अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य क्या हो, हवा या निर्वात हो। कल अपने बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य कोई माध्यम भरा हो। तो अब इस टॉपिक के ऊपर अपने एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। मेरे पास एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है a, तथा उनके बीच की दूरी d है। यदि प्लेटों का क्षेत्रफल तो क्या कर दे वो दोगुना कर दिया जाए, तथा प्लेटों के मध्य दूरी आधी कर दी जाए, तो प्लेटों की धारिता अपनी प्रारंभिक धारिता की तुलना में कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रारंभिक धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की प्रारंभिक धारिता मान ली मैंने c है, ठीक है। अपने को पता है समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है कितनी होती है, a एप्सिलॉन नॉट d होती है। तो प्रारंभिक धारिता का क्षेत्रफल कितना दिया a, और बीच की दूरी कितनी दी हुई है d। तो प्रारंभिक धारिता कितनी होगी, a एप्सिलॉन नॉट d। अब क्या कहता है कि यदि क्षेत्रफल को तो क्या कर दे दोगुना, मतलब a की जगह कितना हो जाए 2a, क्षेत्रफल तो कितना हो जाए दोगुना, और बीच की दूरी कितनी हो जाए, मतलब d कितना हो जाए आधा हो जाए। तो जो परिवर्तित धारिता होगी, जो नई धारिता आएगी, वो प्रारंभिक मान की तुलना में कितनी गुना होगी, या कम होगी या ज्यादा हुई, तो देखते हैं परिवर्तित धारिता, परिवर्तित धारिता। तो c बराबर a का मान कितना है 2a, 2a एप्सिलॉन नॉट d का मान कितना है d बाय 2। ये 2 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2 पहले से, तो 4a एप्सिलॉन नॉट d। और ये a एप्सिलॉन नॉट d क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है, मतलब c है, इसको मैंने c डैश मान लिया। तो c डैश बराबर मैं क्या लिख सकता हूं 4c, मतलब जो नई धारिता आएगी अपने पास c डैश, वो प्रारंभिक धारिता कितनी गुना प्राप्त होगी अपने को, 4 गुना प्राप्त हो जाएगी। यहां पे लिख देना नई धारिता या परिवर्तित धारिता, जो भी लिखो आप, नई धारिता प्रारंभिक धारिता की, धारिता की 4 गुना प्राप्त होगी, 4 गुना प्राप्त होगी। तो ये था अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र के ऊपर न्यूमेरिकल। कल अपने बात करेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनके मध्य क्या भरा हो, कोई माध्यम भरा हो, हवा या निर्वात नहीं हो, तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होगी। थैंक यू।